डॉक्टर साहब आप बताइए कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है? देखिए हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है और लीवर को डैमेज करता है। हेपेटाइटिस बी की प्रीवेलेंस जो है, व्यापकता जो है, हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 से 5% जनसंख्या, भारत की जनसंख्या हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। हेपेटाइटिस बी जो फैलता है वो कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। जैसे अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं है उसको वो बीमारी हो सकती है, वो वायरस उसके शरीर में जा सकता है। ब्लड का कॉन्टैक्ट कई तरीके से हो सकता है, जैसे अगर कोई आईवी ड्रग एब्यूजर है वो सेम ड्रग्स को, सेम इंजेक्शन और नीडल्स को शेयर करते हैं, या जैसे कोई बार्बर है वो उसकी उसकी ब्लेड जो है वो अगर शेयर करता है दो लोगों के बीच में। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जब ब्लड बैंक्स होते थे हेपेटाइटिस बी को चेक नहीं करते थे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हेपेटाइटिस बी चला जाया करता था, लेकिन सौभाग्यवश पिछले कुछ सालों से हर ब्लड बैंक हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे में जा सकता है। अगर मां को हेपेटाइटिस बी है तो जन्म के दौरान मां अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी दे सकती है, तो इसलिए हेपेटाइटिस बी मां से बच्चे में जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है और साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जा सकता है, पति पत्नी में ट्रांसमिट हो सकता है, या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं या होमोसेक्सुअल सेक्स पार्टनर्स हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। ये कॉमन मोड है। सर, किसी भी मरीज को कब और कैसे पता चलता है कि उसे हेपेटाइटिस बी है? देखिए दुर्भाग्यवश होता ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी को बाहर से मालूम नहीं चलता है। अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है या हेपेटाइटिस बी का कैरियर है और हेपेटाइटिस बी लेके जा रहा है अपने साथ, तो बाहर से लोग बिल्कुल सामान्य ही दिखता है। तो हेपेटाइटिस बी का जब तक ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तब तक हेपेटाइटिस बी को प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहचाना जा सकता। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से बाद में लीवर बहुत अधिक खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, पीलिया होता है, उस टाइम आप ये समझ सकते हैं कि अभी हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर खराब हुआ है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मैं कहूंगा कि 90% केसेस में हेपेटाइटिस बी बिना टेस्ट के नहीं पता लगाया जा सकता। सर, हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दवाइयां अवेलेबल हैं और उनके क्या खर्चे हैं? पूरे ट्रीटमेंट में करीब कितना खर्चा आ जाता है? हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है और आजकल तो कार टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसका खर्चा हार्डली 50 रुपये तक होता है, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट, एक ब्लड की ड्रॉप आपको बता सकती है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट जिसको बोलते हैं वो पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आपने पहले कभी वैक्सीन नहीं लगाया है हेपेटाइटिस बी का तो संभव है कि आप भी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो सकते हैं, और उसके लिए आप एक हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग जो होता है और वो जरूर कराएं किसी भी लेबोरेटरी में जाकर के, या कई बार कैंप भी लगते हैं तो उस कैंप में जाकर के। सर, हेपेटाइटिस बी के जनरली क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट आता है हमारे पास जिसके लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, या अल्ट्रासाउंड में लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है, लीवर बढ़ा हुआ होता है या सिकुड़ गया होता है। दूसरी चीज यह हो सकती है कि बहुत बार जब लोग अपनी बाहर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या कुछ नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तब उनका हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग होता है, तो ज्यादातर लोग इसी तरह से पकड़ में आते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। सर, अगर किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी है तो क्या उसको इलाज तुरंत शुरू करना जरूरी है? हेपेटाइटिस बी है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस की क्वांटिटी उसके शरीर में कितनी है और वायरस एक्टिव है यानी कि सक्रिय है अथवा नहीं है, निष्क्रिय है। अगर वायरस निष्क्रिय है और उसकी संख्या बहुत कम है या नगण्य है, नील के आसपास है, तो हो सकता है कि आपको अभी तुरंत इलाज की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको एक फॉलोअप में रहना पड़ता है, आपको हर बार 6 महीने बाद या साल भर बाद टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की संख्या कभी भी बढ़ सकती है, निष्क्रिय हेपेटाइटिस बी कभी भी सक्रिय हेपेटाइटिस बी में बदल सकता है और उस टाइम वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। तो आपको हेपेटाइटिस बी के इलाज की जरूरत है या नहीं है ये कई चीजों पर निर्भर करती है। हेपेटाइटिस बी वायरस की संख्या क्या है, वह एक्टिव है या नहीं है, आपके लीवर के आपके लीवर को ऑलरेडी डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी उम्र क्या है, इन सब परिस्थितियों पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज निर्भर करता है। सर, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं?
देखिए, सौभाग्य से ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। पहले हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास बहुत कारगर दवाइयां नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं। 5 और 6 मेडिसिन ऐसी अवेलेबल है मार्केट में। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो मुंह से आप टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, जिनको आपको वीकली सप्ताह के सप्ताह लगाना पड़ता है। दोनों ही तरह की औषधियां जो है काफी कारगर है, और हेपेटाइटिस बी के वायरस को आप नील पे ले जा सकते हैं दोनों ही तरह की मेडिसिन से। सर, हेपेटाइटिस बी के मरीज को कितने दिनों तक या कितने महीनों तक दवाई खानी पड़ती है? देखिए, डिपेंड ये करता है कि आप इंजेक्शन ले रहे हैं या टेबलेट्स ले रहे हैं। अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो एक निश्चित ड्यूरेशन तक आपको लेना है, 48 इंजेक्शंस लेने होते हैं, हर वीक एक इंजेक्शन लगाना है, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। जब अगर आप मुंह से दवाएं ले रहे हैं, जो ओरल टेबलेट्स ले रहे हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन निश्चित नहीं है, कम से कम 1 साल लेना पड़ता है, हो सकता है आपको जिंदगी भर लेना पड़े। और नॉर्मली उनका क्या खर्चा होता है? जहां तक कॉस्ट का सवाल है, कॉस्ट भी अभी काफी कम आ गई है। जो इंजेक्शंस हैं वो 5,000 से 10,000 के बीच में हर इंजेक्शन कॉस्ट करता है, और जो टेबलेट्स हैं वो 10 रुपये से लेकर के 60-70 रुपये तक की पर टेबलेट अवेलेबल होती है। सर, अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस बी का है और वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यह तो बहुत ही दुखद स्थिति होगी कि मरीज को इलाज की जरूरत है और वो इलाज नहीं लेता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, और लीवर सिरोसिस होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लीवर किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, मरीज बेहोशी में जा सकता है, पेट में पानी हो सकता है, पीलिया हो सकता है, ये सब बीमारियां लीवर सिरोसिस के बाद आ जाती हैं। और उसके बाद लीवर कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक बार लीवर कैंसर होने के बाद आदमी की जो उम्र है बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी है और उसके ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो निश्चित रूप से आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं समझता हूं कि कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। जब मेडिसिन जो है वो बहुत ही 10 टू, एज आई ऑलरेडी सेड, की 60-70 रुपीज पर टेबलेट तक अवेलेबल है, तो हर आदमी मुझे लगता है अफोर्ड कर सकता है। सर, हेपेटाइटिस बी का मरीज जब दवाई लेना चालू कर देता है, तो इस चीज की कितनी गारंटी होती है कि वो 100% ठीक हो जाएगा? देखिए, ट्रीटमेंट सक्सेस होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इनफेक्ट अभी जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उनसे लगभग 80-90% केसेस में वायरस को खत्म किया जा सकता है। तो ये 80-90% सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, और लगभग वायरस बहुत सारे लोगों का, 10 में से 8 या 9 लोगों का खत्म हो जाता है। जहां तक आपने बताया कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या रहता है, तो मैंने पहले ही बताया कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम से कम 1 साल का रहता है, और हो सकता है कि जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़े। ये डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पे, वायरस की क्वांटिटी पे, आपके लीवर की कंडीशन पे, और वायरस की एक्टिविटी स्टेज पे, कि वायरस एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसलिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो होते हैं, कई बार होता है कि आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, हेपेटाइटिस बी आपका पॉजिटिव है, लेकिन आपको हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। कई बार मरीज भी हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हेपेटाइटिस बी है और हमें कुछ ना कुछ वायरस की दवाई चालू कीजिए। ऐसा होता है कि वायरस की दवाई नहीं चालू करना उतना ही खतरनाक है जितना कि वायरस की बिना आवश्यकता के दवाई चालू करना, क्योंकि वायरस की लिमिटेड दवाइयां अवेलेबल हैं। अगर आपने बिना आवश्यकता के दवाई चालू की, तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद में वो दवाई आप पर काम करना बंद कर दे, और जिस दिन आपको दवाई की जरूरत होगी, मेडिसिन की जरूरत होगी वायरस के लिए, उस दिन आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी। वायरस की दवाई को चालू करना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बंद करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए चिकित्सक से सही परामर्श कर करके और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या लीवर स्पेशलिस्ट को दिखाकर पहले सुनिश्चित करें कि आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है। मेडिसिन की जरूरत है तो निश्चित रूप से तुरंत चालू कीजिए और उसको रेगुलर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वायरस की लिमिटेड मेडिसिन अवेलेबल है, और रेजिस्टेंस अगर वायरस के अगेंस्ट आती है तो आपके लिए भी खतरनाक है और कम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है। सर, अगर किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी है और वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, उसको किस प्रकार पता चलेगा कि उसका ट्रीटमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके शरीर से वायरस खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा है?
इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं। आप अपने लीवर की कंडीशन को जान सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट एक सिंपल सा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, साथ में वायरस खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए एक हिपेटाइटिस बी वायरस डीएनए क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, यानी कि वायरस की क्वांटिटी को आप ब्लड में एक सिंपल टेस्ट के द्वारा मेजर कर सकते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट आपके वायरस का क्या क्वांटिटी था और आफ्टर ट्रीटमेंट वायरस की क्वांटिटी आपके ब्लड में कितनी है। इसके साथ साथ आप लीवर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, उससे आप देख सकते हैं कि लीवर में कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और वायरस की क्वांटिटी के टेस्ट, ये सब मिलाकर के कंबाइंड आपको एक पिक्चर देंगे कि आपका लीवर इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका फंक्शन बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है और वायरस की क्वांटिटी कम हो रही है या नहीं हो रही है। सर, जो दवाइयां हेपेटाइटिस बी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हैं, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नॉर्मली क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जहां तक साइड इफेक्ट्स का सवाल है, जो ओरल मेडिसिन हैं, ओरल टेबलेट्स हैं, बहुत ही अच्छी टेबलेट्स हैं, बहुत इफेक्टिव टेबलेट्स हैं और उन जो नई टेबलेट्स हैं उनका कोई रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है और उनमें से ये जो दवाइयां हैं काफी हद तक सेफ हैं। जो साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड है बहुत ही नगण्य है, नेग्लिजेबल है और मैं कहूंगा कि काफी सेफ दवाइयां अवेलेबल हैं। इंजेक्शन से यह हो सकता है कि जब आप इंजेक्शन लगाएं तो थोड़े दिन तक आपको बुखार रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, शरीर में थकान और कमजोरी लग सकती है और धीरे धीरे ये सब चीजें सामान्य हो जाती हैं। कई बार ब्लड काउंट्स कम हो सकती हैं जिनको आप सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। सर, अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और उसने अपने परिवार के बाकी सारे सदस्यों का भी हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवा लिया है और बाकी सारे लोग नेगेटिव हैं, तो उस इंसान को अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कोई उपाय करना चाहिए या कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि उसके परिवार के बाकी लोगों को भी हेपेटाइटिस बी ना हो? देखिए, बहुत जरूरी है, बचाव हमेशा अच्छा रहता है उपचार से। और हेपेटाइटिस बी, एक सुखद बात यह है कि हेपेटाइटिस बी से बिल्कुल बचा जा सकता है 100%। कुछ ही बीमारियां इतनी घातक हैं और प्रिवेंटेबल हैं साथ में, जिनमें हेपेटाइटिस बी एक है। और खुशी की बात यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने हेपेटाइटिस बी का फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया है और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीनेशन के तरह, जैसे कि डीपीटी और बाकी सब पोलियो का वैक्सीन लगते हैं, वैसे सरकार को लगाने चाहिए। लेकिन तब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी पीढ़ी में हैं या हमसे बड़े हैं और जिनको हेपेटाइटिस बी के टीके नहीं लगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी के टीके नहीं लगे हैं, उनको परिवार में सभी को हेपेटाइटिस बी के टीके लगाने चाहिए। टीके का कॉस्ट बहुत ही कम होता है, 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का टीका मिल जाता है मार्केट में। इसकी 3 डोज लेनी पड़ती है, एक जैसे अगर आप अभी लगाते हैं तो एक उसके 1 महीने बाद और एक उसके 6 महीने बाद, और 3 डोज लगाने के बाद में अगर एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है। तो बहुत सिंपल सी जानकारी है लेकिन बहुत ही काम की जानकारी है और बहुत बार हेपेटाइटिस बी के पॉजिटिव के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि काश हमने ये वैक्सीन, ये टीका हमने समय पर लगाया होता तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो एक मैसेज है मेरा जनता के लिए कि अगर हेपेटाइटिस बी आपके घर में किसी को नहीं लगा है वैक्सीन, तो आप ये जरूर लगाएं किसी भी निकटतम अपने चिकित्सक से सलाह लेकर। सर, अगर कोई मरीज हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसकी पत्नी को हेपेटाइटिस बी होने के कितने कितने चांसेस हैं और क्या क्या खतरा है? देखिए, फॉर्चुनेटली जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की रेट है बहुत ही कम है, लगभग 5% है मेल से फीमेल से में जाने के या फीमेल से मेल में जाने का, लेकिन 5% जो चांसेस हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। आप अपने पार्टनर को वैक्सीनेट करा दीजिए, वैक्सीनेट कराने से आपका पार्टनर 100% प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर बाय चांस प्रोटेक्शन में वैक्सीनेशन के कोर्स में 6 महीने लगते हैं और उस दौरान अगर आप सेक्स रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आप बैरियर प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जैसे कंडम यूज कर सकते हैं, उससे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अपने पार्टनर को लगाइए और बचाव का ये बहुत ही अच्छा साधन है। सर, अगर किसी मेल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है और फीमेल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी नहीं है, तो क्या वो अपनी संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए प्लान कर सकते हैं?
अगर मेल पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है और फीमेल को हेपेटाइटिस सी बी नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपनी संतान के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसका अपोजिट है तो भी संतान के लिए प्लान कर सकते हैं कि अगर फीमेल को है और मेल को नहीं है तो। होता यह है कि माँ से बच्चे में जब डिलीवरी होती है उस टाइम हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के, और जब गर्भ में होता है तब भी कुछ चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे में चला जाए। इसलिए जो भी माँ हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है उसको ये चाहिए कि वो अपने बच्चे ये जानकारी अपने चिकित्सक को दे, और उसके चिकित्सक का ये दायित्व बनता है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसके पैदा होने के 24 घंटे के भीतर भीतर बच्चे को एक आर्म पे वैक्सीन लगाए और दूसरी आर्म पे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उससे प्रोटेक्ट करे। अगर ये दोनों चीजें की जाती हैं बच्चे के जन्म के 24 आवर्स के भीतर भीतर तो 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है तो 30% से 90% तक चांस हैं, डिपेंडिंग ऑन मदर्स वायरल लोड और बहुत सारी कंडीशंस के, कि बच्चे को वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी एंटीनेटल चेकअप कराते हैं, कहीं पर जाते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप करते हैं तो हर चिकित्सक का यह दायित्व बनता है कि हर प्रेग्नेंट फीमेल को हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन करें। सर थोड़ा सा बताइए कि हेपेटाइटिस बी के मरीज को खाने पीने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में जितने अंधविश्वास पीलिया को लेकर के हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी बीमारी को लेकर के हैं। आप माला पहनने से लेकर के खीर खाने तक, और बहुत सारी पीली चीजें नहीं खाना और पीले कपड़े नहीं पहनना, जितने भी तरह के अंधविश्वास और ये सब हो सकते हैं पीलिया से रिलेटेड, हिंदुस्तान की जनता में बहुत गहरे बैठे हुए हैं। बहुत सारे की मार्केट में दवाएं ऐसी अवेलेबल होती हैं जिनके कोई फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों ने सुना है और लोगों ने किसी ने कहा है इसलिए वो उनका सेवन करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब आप हेपेटाइटिस बी या किसी भी कारण से लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं तो कोई भी ऐसी दवाई ना लें जो कि आपके लीवर को नुकसान कर सकती है और जिसके साइड इफेक्ट्स और जिसके इफेक्ट्स के बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी पीली चीज खाने से लीवर की बीमारी नहीं होती है। और तीसरी चीज ये है कि बिना किसी अंधविश्वास में पड़े हुए, बिना कहीं इधर उधर की दवाई ट्राई करे हुए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, उनको आप रेगुलर लें, उनको छोड़े नहीं। खाने पीने में संतुलित आहार लें, वसा का सेवन कम करें, प्रोटीन का सेवन ज्यादा करें, बाहर का खाना नहीं खाएं, जो मिर्च मसाले हैं, जो इन्फेक्टेड फूड है, अनहाइजीनिक फूड है, उसको आप अवॉइड करें, ये आपको ध्यान रखना है। सर अगर किसी मरीज का लीवर, जैसा कि आपने बताया कि अल्कोहल लेने की वजह से भी डैमेज होता है और बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी डैमेज होता है, अगर किसी मरीज का लीवर किसी दवाई की वजह से डैमेज हुआ है और अल्कोहल की वजह से नहीं डैमेज हुआ है तो क्या वो अल्कोहल ले सकता है? अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, मोटापा, ये सब मिलाकर के लीवर को खत्म करते हैं या खराब करते हैं। तो और जब हेपेटाइटिस बी और अल्कोहल मिलते हैं तो एक और एक करके दो नहीं होते बल्कि की चार मल्टीप्लाई करते हैं लीवर के डैमेज को। अगर आप ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं तो आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको अपना वजन भी संतुलित रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको साथ में आप अल्कोहल का भी सेवन करते हैं, आपको हेपेटाइटिस बी भी है, ये सब चीजें हैं, तो आपका लीवर अगर 5 साल में खराब होने वाला हेपेटाइटिस बी से तो उतना लीवर आपका एक ही साल में डैमेज हो जाएगा। इसलिए हेपेटाइटिस बी अगर आपको है तो अल्कोहल और उन सब व्यसनों से आपको दूर रहना चाहिए जो कि आपके लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर अगर किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी के साथ साथ किडनी की भी प्रॉब्लम है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो? देखिए, लीवर और किडनी में बहुत बड़ा रिश्ता है, आप कह सकते हैं भाई बहन जैसा रिश्ता है। और होता यह है कि जब हेपेटाइटिस बी की वजह से लीवर खराब होता है तो किडनी पे भी थोड़े दिनों में असर आने लगता है, और जब लीवर कमजोर होता है तो किडनी पे भी जोर पड़ता है और किडनी भी वीक पड़ने लगती है। अगर हेपेटाइटिस बी का मरीज है और किडनी भी खराब है तो आपका जो खाने पीने में सावधानियां जो हैं वो आपकी और अधिक बढ़ जाती हैं। साथ में आपका जो सपोज करोगे अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लीवर के साथ साथ आपकी किडनी को भी बदलना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्थिति आपकी और भी गंभीर हो जाती है, और आपको खाने पीने में जो साधारण सावधानियां हैं वो ना सिर्फ लीवर के लिहाज से बल्कि किडनी के लिहाज से भी आपको देखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए ये लीवर ट्रांसप्लांट क्या चीज होता है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, और किन किन स्थितियों में लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराने की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मली
भारत में कौन कौन सी जगहों पे लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं अवेलेबल है और कितना खर्चा आता है, थोड़ा सा लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह है कि आपका लीवर निकाल लिया जाता है, मरीज का लीवर निकाल लिया जाता है, और क्योंकि वो खराब हो चुका होता है, और उसकी जगह किसी स्वस्थ मनुष्य का लीवर लगा दिया जाता है। अब क्योंकि हमारे शरीर में एक ही लीवर होता है, इसलिए करना यह होता है कि हम जो स्वस्थ मनुष्य का जो लीवर निकालते हैं, जिसे हम डोनर बोलते हैं, उसका हम आधा लीवर निकालते हैं और आधा लीवर उसके लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि लीवर में रिजर्व कैपेसिटी बहुत होती है, इसलिए, और लीवर में रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है, इसलिए जो डोनर का जिसका हम लीवर निकालते हैं, उसका लीवर वापस रीजेनरेट होकर के बड़ा हो जाता है, और उस रिजर्व होने की वजह से उसका काम चलता रहता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन तब करते हैं जब लीवर इतना अधिक खराब हो जाता है, जब आपको लगता है कि अब ये मेडिसिन से रिकवर करने वाला नहीं है और लीवर में रिजर्व बहुत कम रह गया है, और इस लीवर के सहारे बहुत अधिक समय तक मरीज जिंदा नहीं रह सकता। लीवर ट्रांसप्लांटेशन यूजुअली सिरोसिस की स्थिति में या कुछ कंडीशंस में जब लीवर कैंसर होता है तब किया जाता है। सिरोसिस की, जैसे कि मैंने बताया कि ए, बी और सी तीन स्टेज होती है, तो सी स्टेज में आने पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन आप कैडेब्रिक के बॉडी से भी कर सकते हैं, यानी कि मृत व्यक्ति के शरीर से भी आप लीवर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप 24 घंटे के भीतर उसका लीवर निकाल लेते हैं और उसका लीवर स्वस्थ रहता है। दुर्भाग्यवश हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को यहाँ पे प्रथा नहीं है, प्रणाली नहीं है, लोगों में इस तरह की भावना नहीं है कि हम कुछ ऑर्गन्स डोनेट करें। मैं कहूंगा कि जागृति नहीं है, और हमारी जो पौराणिक परंपराएं हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि हम ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं, या जागरूकता हमारे समाज में नहीं है जितने कि पाश्चात्य समाज में है। तो ये भी एक मैसेज है एक हिंदुस्तानी समाज के लेकर कि जो आपका जो शरीर है मरने के बाद भी जो है बहुत उपयोगी हो सकता है। हो सकता है कि आंखें डोनेट करने से, लीवर डोनेट करने से, किडनी डोनेट करने से, एक मृत शरीर से आप 8-10 लोगों को जिंदा रख सकते हैं आप मरने के बाद में भी। और मुझे लगता है कि किसी भी मृत व्यक्ति की सबसे बड़ी जो होती है आत्मा को शांति प्रदान करने का, ये बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, मैं जहां तक लीवर ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सेंटर्स खुल गए हैं जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कम से कम 15-20 सेंटर्स ऐसे हिंदुस्तान में अब हैं जहां पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। और कितना खर्चा आता है, थोड़ा सा लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आप हमें बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत ही उपयोगी भी है ये बात कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन में कितना खर्चा आता है। बहुत सारे लोग हमारे समाज में इसलिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास पैसा इतना नहीं होता है, और जो, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि विश्व के सभी देशों में लगभग सबसे सस्ता लीवर ट्रांसप्लांटेशन हिंदुस्तान में होता है। जहां बाहर ये ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा 2-3 करोड़ रुपए तक का आता है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हिंदुस्तान में 20 लाख रुपए में होता है। तो लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा है, ये वेरी कर सकता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, और हो सकता है 18 से 20-22 लाख और 25-30 लाख तक जाए, बट 20 लाख रुपये लगभग एक एवरेज है, कॉस्ट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन की। लेकिन लीवर ट्रांसप्लांटेशन में एक और रिस्क होती है कि जब आपका लीवर जो है रेसिपिएंट को जब लगाया जाता है, तो उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, उसके लिए उसको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उनकी भी कुछ कॉस्ट होती है। इनिशियली जो है शुरुआत में हो सकता है 20 से 25 हजार रुपये पर मंथ की दवाइयां खानी पड़े, और उसके बाद में धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाती हैं, तो उसके बाद हो सकता है 4-5 हजार रुपये पर मंथ की दवाइयां उसको जिंदगी भर लेनी पड़े, तो वो कॉस्ट भी आपको फ्यूचर में देखनी होती है। तो जब भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन कराएं, दो चीजों की खास जरूरत है कि आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, और दूसरी चीज आपके पास डोनर है या नहीं है। डोनर की भी कुछ शर्तें होती हैं, सरकारी कानून है, और उन कानूनों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, और उस कानून के अनुसार जो डोनर है सिर्फ परिवार में से होना चाहिए और या इमोशनली रिलेटेड आदमी होना चाहिए, और आप लीवर कहीं से परचेज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि हमें लीवर कहाँ से मिल जाएगा, तो लीवर सिर्फ फैमिली मेंबर ही दे सकता है, और जो दे सकता है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, उसका लीवर स्वस्थ होना चाहिए, उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि उसका लीवर स्वस्थ है या नहीं है, उसकी उम्र ठीक है या नहीं है, और वो अपनी मर्जी से देना चाहता या नहीं देना चाहता, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।